ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ॐ सहनावपतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा द्वेषावहै। ॐ शान्तिः शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। एकवाणी संस्कृतम यूके चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययन कक्षा संख्या 5 को आज पढ़ें। ठीक है, 4 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है लघु सिद्धांत कौमुदी भाग 1 पर क्लिक करके पीछे की जो कक्षाएं पढ़ाती गई हैं उनको हम पढ़ तब आगे की शास्त्रीय अध्ययन ये शॉर्टकट अध्ययन नहीं है, इसलिए सभी को इन कक्षाओं का लाभ तभी प्राप्त होता है जब क्रम से इन कक्षाओं को पढ़ा जाए। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क अवश्य कर लें। पट्टी पर चलाए जा रहे हैं वही ये नंबर। अब आगे गत कक्षा में मुख्य रूप से आपको प्रत्याहार, कौन से प्रत्याहार में कितने कितने वर्णों का ग्रहण होता है ये पूरा आपको विस्तार से पूरी कक्षा में यही। प्रत्याहार का अर्थ है रूप से अगर अधिक से अधिक बात को कम से कम वर्णों के माध्यम से बताने का नाम ही प्रत्याहार है, जिसको संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द का भी यही अर्थ है कि किसी भी वस्तु का बोध कराना है, पदार्थ का बोध कराना है, तो एक शब्द उसके लिए हम ऐसा दे दें जिससे उसका आसानी से बोध हो। मेरा नाम श्रवण कुमार है, ये मेरी संज्ञा है, ये मेरा संक्षिप्त चिन्ह। यदि जो श्रवण कुमार ये दो शब्द है, ये इसका नाम ना और मेरी किसी को पहचान करानी हो, कोई बताना चाहे मुझे श्रवण कुमार, मतलब इसके पास पढ़ने जाना, तो वो व्यक्ति बताएगा भाई ऐसे व्यक्ति है, ऐसा रंग है, ऐसी शकल है, सब कुछ बताएगा, बहुत लंबी गाथा बन जाएगी। और कोई निश्चय नहीं है कि वो मेरे पास में जिसको बता रहा है वो मेरे पास नहीं आ जाए, परंतु वही संक्षिप्त जो चिन्ह दिया मुझे कन्या के रूप में, उससे एकदम कोई व्यक्ति मुझे ही इसी प्रकार से जो ये अण आदि हमने आपको बताए थे अण और इण आपके, ठीक, ये क्या है, कुछ वर्णों की संज्ञाएं, कुछ वर्णों का संक्षिप्त माने अण इस डेढ़ मात्रिक वर्ण से एक मात्रिक और अर्धमात्रिक व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं, डेढ़ मात्रिक से कितने वर्णों का ज्ञान हो गया, अ ई उ तीन मात्रिक का ज्ञान हो गया। और अधिक का भी हो जाता है जब उसके साथ बनाते तो यहां से लेकर के यहां तक के सभी वर्णों का हो जाता है।
यही इसको संक्षेप प्रत्याहार भी कह सकते हैं, इसको संज्ञा भी कह सकते हैं। और अगले खंड ये क्या है, ये है प्रत्याहार, और ये क्या है प्रत्याहार सूत्र। इन दोनों में भेद अवश्य जान लीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे लोग पूरा लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ लेते हैं और आगे पढ़ लेते हैं, परंतु उनको यही नहीं मालूम होता प्रत्याहार क्या है, प्रत्याहार सूत्र। प्रत्याहार सूत्र क्योंकि प्रत्याहार सूत्र इसलिए है क्योंकि प्रत्याहार बनाने के साधन है, प्रत्याहार के सूत्र है प्रत्याहार ये, ठीक है। ये है तो सरल बात वैसे, परंतु कभी इस पर हम विचार नहीं करते तो फिर थोड़ा सा ऊपर ऊपर हो जाती है। ये तो आपका मैंने प्रत्याहार का विषय था वो तो आपको कंप्लीट करा दिया, और ये आपको मैंने बता दिया कि ये प्रत्याहार आपको अच्छी प्रकार से स्मरण कर लेने हैं और बार बार इनका अवलोकन करते हैं। इनके अंतर्गत इतने वर्ण आते हैं, अच्छे अंतर्गत इतने आते हैं, इनके अंतर्गत इतने आते हैं, अच्छे अंतर्गत ये आते हैं, हल्के अंतर्गत ये आते हैं, हल्के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। ये हो गया। और एक मैंने आपको सूत्र भी पढ़ाया था, ऊ कालो ध्रस्व दीर्घ प्लुतः, ये सूत्र पढ़ा दिया था मैंने, एक सूत्र पढ़ाया था हमारे पाठकों ने। यहाँ पर थोड़ा सा कहा कि यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं इससे, ये वस्तुतः ये क्या है, समास है, इतना ये वास्तव में समास दिखाया है आचार्य भरद्वाज ने, समास दिखाया है। इसका समास दिखाया है, इसका समास दिखाया ऊ कालह का, कालह जो शब्द है इसका अर्थ बताने के लिए कि ये किस बोधक है, ये बताने के लिए समास करना पड़ा। और ये हमने आरंभ में ही आपको बता दिया था कि आपको व्याकरण ये लघु सिद्धांत पढ़ना है तो आपको सामान्य समास आना चाहिए, सामान्य संधि आनी चाहिए, अनुवाद बनाना और समझना आना चाहिए, अन्यथा आपको व्याकरण। यहां पर ये कह रहे हैं कि ये जो ऊ है, ये ऊ है, ये वास्तुतः इसमें तीन ऊ मिले हुए, तीन ऊ। जैसे संधि में आप देखते हैं जैसे विद्या प्लस आलय, ऐसा आप संधि बहुत प्रसिद्ध संधि है, विद्या प्लस आलय विद्यालय, ऐसा देखते हैं आप। अच्छा तो अब कोई पूछे ये आ, इस आ ये क्या है, ये आ और ये आ दोनों मिला हुआ आ, माने दोनों का एक रूप है, ध्यान देंगे। वैसे ही यहां पर ये समास दिखाया ऊ और ऊ और ये वाला ऊ, जब इनमें तीनों में संधि करते क्या करते हैं, संधि करते आकाह समय में संधि करते हैं इसमें, दिखा होगा थोड़ा सा जीर्ण होगा, तो जब संधि करते हैं इसमें तो पहले इसकी संधि इसके साथ में, तो ऊ की संधि आकाशवर्ण का ऊ हो गया और ये ऊ, फिर इसके साथ में संधि करती तो भी प्लुत और दीर्घ का भी दीर्घ ही होता है, ये आकाशवर्ण दीर्घ वक्त, आकाशवर्ण दीर्घ ये बताता है कि प्लुत और दीर्घ संधि करेंगे तो भी दीर्घ होगा,
ह्रस्व और ह्रस्व की संधि करेंगे तो भी दीर्घ होगा, और ह्रस्व और दीर्घ की संधि करेंगे तो भी दीर्घ होगा, और दीर्घ और दीर्घ की संधि करेंगे तो भी दीर्घ होगा। तो यहां पर ये उ है, ये तीन मिलकर के वहां तीनों में संधि होकर के यहाँ उसका बोधक है, ठीक है। अब इसका ऊ का काल के साथ में समास दिखाना है, तो इसलिए अब यहां पर ये तीन ऊ है इसमें, और तीन ऊ, अब यहां तीन ऊ के जगह क्या होगा, एक ऊ बन जाएगा, ये क्या बन गया, एक ये बन गया ऊ, और ये उश्चा ये वह बना दिया। ये क्या है, प्रथमा विभक्ति बहुवचनांत का रूप दिखाया है, प्रथमा विभक्ति बहुवचना, एक का अर्थ होता है प्रथमा और तीन का अर्थ होता है बहुवचनांत। तो यहां पर क्या है, बहुवचन में जस प्रत्यय आता है, तो यहां पर क्या है, जस लाते हैं, जस का ये जस प्रत्यय आ जाएगा। ये समझ में आगे समझ में आएगी, फिर भी आपको समझना है, जितना समझ में आएगा उतना समझिए। ये जस और ये जस चला जाता है और अस बचता है इसका, ये क्या बचता है, अस। अब यहाँ पर क्या होता है, इसको मिला करके इको एणची लगा देते हैं, तो इसको ऊ को क्या हो जाता है, वह हो जाता है, और ये अ इसमें मिल जाता है, वह मैंने हलंत होता है, अ ये वाला इसमें मिल जाता है, ये सा है इसको विसर्ग हो जाता है, तो ये बन जाता है वह। फिर यहां पर वाम अब इसका दिखाएंगे, इन तीनों उकारों का जो काल, तो ये वाम ये बहुवचन में षष्ठी कहलाएंगे, वाम काल इव काल, उत्तर पद लोपी बहुवचन समास होता है, ये आगे पढ़ेंगे समास प्रकरण में, तो उत्तर पद लोपी बहुवचन समास कर दिया, तो वाम काल इव कालो यस्य सो अच्छ, ये अच्छ माने अच्छ का ही दिखाना चाह रहे हैं, अच्छ माने स्वरों, तो वो अच्छ हो जाएगा ऊ काल। फिर ऊ काल ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा का क्रमात्, जैसे ह्रस्व दीर्घ प्लुत दीर्घ, ये आपको आगे समझ में आ गया, बाकी ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही थी कई पाठकों को, बाकी नहीं समझ में आई अभी भी, तो फिर आपको जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे आगे आगे बढ़ते रहेंगे तो अपने आप ये समझ में आ जाएगा पाठ, ठीक है। ये और यहाँ पर हमारी बात यहाँ पर समाप्त हुई थी, सा प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा, जो जो ये अच हैं माने वो क्या है, प्रत्येक माने आ ई और उसके ह्रस्व दीर्घ, वो सारे ह्रस्व भी तीन प्रकार का है, दीर्घ भी तीन प्रकार का, प्लुत भी तीन प्रकार का, वो कौन सा है, उदात्त अनुदात्त स्वरूप। अब आगे पढ़ते हैं, अब यहाँ पर कहते हैं आइए, ये जो उदात्तादि भेद हैं, उदात्त अनुदात्त और स्वरित, इन ये नाम के माने किस प्रकार के उच्चारण करें, कैसे करें, तब उनका नाम होता है, लिए आगे महर्षि पाणिनि के सूत्र बता रहे, ये आप देख पा रहे होंगे नंबर 6 उच्चैरुदात्त, लघु सिद्धांत कौमुदी का 6वां सूत्र है और अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 29वां सूत्र है। तो उच्चैरुदात्त इसका अर्थ नहीं दिया यहाँ पर, उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र लिखा दिया है, यहाँ पर इसका कोई अर्थ नहीं दिया क्योंकि ये बिल्कुल सरल है, आचार्य महाराज जी दृष्टि उच्चैः ही उदात्तः, उच्चैः माने उच्चैः ही, क्या उच्चैः, तो उच्चैः का अर्थ हम आपको तीनों सूत्रों को पहले देख लीजिए, तो उच्चैरुदात्त अनुदात्त संज्ञक विधायक संज्ञा सूत्र, अनुदात्त वाला कौन सा सूत्र है, सातवां, नीचैरुदात्त, अब इतना इतना ही कह रहे नीचैरुदात्त,
बहुत सारे लोग तो यहाँ पर ऐसा समझ लेते हैं, ठोस ऊंची आवाज से बोला जाता है उसको बोलते हैं उदात्त। नहीं, ऐसा नहीं। ऊंची आवाज से बोला जाने वाला जो स्वर है उदात्त है, ये बात नहीं। उच्च का अर्थ यहाँ पर ऊंचा नहीं है। ऐसे ही अनुदात नीचे, अनुदात यहाँ पर भी लोग समझ लेते हैं नीचे माने धीरी आवाज से, धीरी आवाज से उच्चार उच्चारण कर किया जाने वाला जो अच्छा है स्वर है वो अनुदात होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कैसा है तो बताएं। और कहते हैं समाहार स्वरितः, स्वरित संज्ञा विधायकम सूत्रम। संज्ञा स्वरित वाला, स्वरित क्या होता है? समाहार। समाहार का अर्थ होता है एक मात्रा, माने एक मात्रा वाला जो वर्ण है उसमें आधी मात्रा उदात्त की और आधी मात्रा अनुदात्त की। फिर जो एकमात्रिक वर्ण बनता है वो स्वरित होता है। अर्थात ऐसा वर्ण माने हम भरतुल, ऐसा वर्ण जिसमें उदात्त और अनुदात्त मिला हुआ है, उदात्त और अनुदात्त मिला हुआ हो, उस वर्ण का, उस अच का नाम दिया है। स्वर के भेद ध्यान नहीं, व्यंजनों के भेद नहीं है, ये ध्यान देंगे। स्वर के ही स्वर होते हैं, स्वर माने अच के ही ये नाम है, तो वो स्वरित तो होता है। यहां पर भी हम आपको विस्तार से बता देंगे, ठीक है, कि जो ये अ है, ये और एक ये आ है, ध्यान देंगे। जब इसको स्वरित करेंगे, स्वरित का शास्त्र में ऐसा चिन्ह लगाते हैं, ऐसी ऊपर खड़ी रेखा करते हैं और ऐसे खड़ी कर देंगे, तो इसमें महर्षि पाणिनि भाई केवल दोनों का मिलना ही स्वरित हो जाना है, अथवा कोई पूछे कि इसमें ये स्वरित है, इसमें अनुदात्त का भाग कितना है, उदात्त का भाग कितना है, और उदात्त किधर है, पहले है इसके अंदर या बाद में है, अनुदात्त पहले है या बाद में, ये भी बताया गया है। ये मैं बता दूंगा आपको। अब पहले इनको पढ़ लो, ये ना सूत्र, ठीक है। इसके लिए मैंने आपके सहयोग के लिए ये प्राचीन व्याकरण में, प्राचीन व्याकरण में इनका अर्थ दिया है सूत्रों का, तो उसके सहयोग से आपको अच्छा समझ में आ जाए। ये लाभ आपको मिलेगा हमारी कक्षाओं से कि प्राचीन व्याकरण में पढ़ाते समय हम नब्द का सहयोग ले लेते हैं और नब्द को पढ़ाते हुए हम प्राचीन का सहयोग ले लेते हैं, जिससे पाठकों को विषय वस्तु अच्छी प्रकार से आसानी से समझ में आ जाए। ये तो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षक का। तो ये उच्च उदात्तता, यहां पर ये कहा ताल्वादिषु, ताल्वादिषु ही भागवत्सु स्थानेषु वर्णा निष्पद्यन्ते, तत्र यः समाने स्थाने ऊर्ध्व भाग निष्पन्नो च स उदात्त संज्ञको भवति। ये कहते हैं जो तालवादि मान वर्ण है, वर्णों के अपने अपने स्थान हैं, जैसे आ है, अका वर्णोच्चारण शिक्षा में आगे लघु सिद्धांत में ही क्या पढ़ाएंगे, अकुह विसर्जनीया, अकु विसर्जनीया नाम कंठ, माने अका वर्ण का स्थान कंठ बताया, कंठ बताया, ठीक। तो कहते हैं कि तालु आदि, तालु आदि स्थान बताए, तालु आदि स्थानों में भागवत्सु माने तालवादियों में जो जिस वर्ण का स्थान कहा है वो भाग, उनमें
उन स्थानों में वर्णाहन शब्दंतु वर्णों की निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है, वहां से वो प्रकट होते हैं। ठीक है, कोई कंठ से है, कोई तालु से है, कोई मूर्धा से है, ऐसे ऐसे बताए गए। तत्र अब कहें तत्र यह समान स्थाने ऊर्ध भाग निष्पन्न होते, मानिएगा जो कंठ स्थान है अकार का, तो कंठ में जब कंठ में इस कंठ से अकार का उच्चारण होगा तो कंठ के ऊपरी भाग, क्या कंठ के ऊपरी भाग से जब अकार की ध्वनि निकलेगी घर्षण करती हुई, तब वो अकार कैसा माना जाएगा? उदार। और वो ध्वनि कब? जब अकार को थोड़ा टाइट करके बोलेंगे तो ये उदात बन जाएगा। ये है वास्तव में, जोर से बोलने का अर्थ नहीं आ, 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 ये उदात नहीं। माने जो स्थान है वो जिस वर्ण का जो स्थान है उस स्थान को थोड़ा सा कठोर करके जब उस वर्ण को बोला जाता है तो उसी को कहते हैं ऊर्ध भाग में। कठोर बोला तो ऊर्ध भाग से निकलता है वो, जिस वर्ण का जो स्थान है उस स्थान से, तो वो वर्ण उदात्त संज्ञक हो। बस इतना ही समझना है, ठीक है। इस बात को भूल जाइएगा कि ऊंचा ये नहीं है। ये सिद्धांत कौमुदीकार भी आपको ऐसा नहीं बताएंगे, महाभाष्यकार भी नहीं बताएंगे। महाभाष्यकारों ने ये यहाँ पर महाभाष्यकार की परिभाषा दी है यहाँ पर, इसलिए आयामोदारुण्यमणुता खस्येति उच्चैः कराणि शब्दस्य आयामः गात्राणां निग्रहः दारुण्यं स्वरस्य दारुणता रुक्षता अणुता खस्य कंठस्य संवृतता उच्चैः कराणि शब्दस्य। उच्चैः कराणि में उदात्त कराने वाला क्या होता है? कंठ को थोड़ा से टाइट करना, ओ ओ कंठ सिकुड़ेगा संवृत होगा तो अपने आप वो उदात्त बन जाएगा। बहुत सारे लोग इस बात को समझते तत्वर वेद आदि पढ़ते हैं तो ये व्याकरण ना पढ़ने के कारण से वो भी बहुत सारे लोग, सभी तो नहीं, बहुत सारे लोग उदात्त की परिभाषा ये, ठीक है, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, आपको बता देता हूँ। तालवादी स्थानों से वर्णों का उच्चारण होता, उन स्थानों में ऊर्ध भाग है, उन ऊर्ध भागों से उच्चरित जो अच्छ वह उदात्त संज्ञक होता है। ठीक है, जब टाइट करके बोलेंगे तो वो जो जो वर्ण जिस 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 स्थान से नहीं उच्चरित होता है तो वो ऊपर से ही ऊपर के भाग से ऊपर से हो। इसी प्रकार से नीचे ही अनुदात का इसका ही पढ़ लीजिएगा बस। समान स्थाने नीच भागे अधर भागे निष्पन्नो योच सोनुदात्त संज्ञको भवति। समाने स्थाने नीच भागे माने अधर भाग, समान स्थान माने जिस जिस वर्ण का जो जो स्थान है वहां पर उस स्थान में जब वर्ण को थोड़ा ढीला करके बोलेंगे तो वो नीचे से उत्पन्न होता है, कंठ के कंठ मने कंठ है उसका नीचे का जो भाग है वहां से उसका ध्वनि स्पर्श होती है, वो जो वायु अंदर से आती है। तो अधर भागे निष्पन्न युवत्सो अनुदात संज्ञको भवति। यहाँ पर भी ये महाभाष्यकार ने कहा है तो बस यहाँ ये समझ लीजिएगा, गात्राणाम शिथिल माने वो जो स्थान है जिस वर्णों का उसका उच्चारण करते समय उस भाग को ढीला छोड़ना, ढीला छोड़ना। वो उच्च ध्वनि में भी हो सकता है ढीला आ आ आ, और धीमी ध्वनि से भी हो सकता आ आ, परंतु उस स्थान को देखना है कि वो स्थान ढीला है, छूटा हुआ है, टाइट हो रहा है। ठीक है, बस इतना देखना, तो अनुदात संज्ञक। इसी प्रकार से समाहार स्वरित, ध्यान दीजिए, ये कहते हैं यहां अर्थ देखिए, उदात्तानुदात्त गुणयो समाहारो यस्मिन् अचि सोच स्वरित संज्ञको भवति। उदात्त और अनुदात्त गुण माने ना
वर्णों के उच्चारण स्थान को ढीला छोड़ना पूरा, ना टाइट करना कठोर करना, और मध्यम रखना। उस स्थिति के उच्चर के जो स्वर होते हैं अच्छे होते हैं वो क्या होते हैं, स्वरित होते हैं, स्वर संयत। तो ये तो ये हो गया, ये मैंने आपको ये बता दिया। तो अब आपको ये आराम से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब चलेंगे, अब ये मैं आपको ये बात बताना चाह रहा था कि स्वरित के विषय में कि विषय चाहिए, लघु सिद्धांत में आपको नहीं बताई गई होगी कहीं पर भी। मानिएगा ये आ है और एक ये आ है, आ और ये एक आ, ये प्लुत है, ये त्रिमात्रिक। अब हमने मानिएगा ये भी कहीं स्वरित है, ये भी स्वरित है, ये भी स्वरित है, ठीक है जी। अब ये स्वरित है, स्वरित की परिभाषा हमने बताई कि समाहार स्वरित में अनुदात्त और उदात्त का मिश्र। अब यहां पर यह भी शंका हो सकती है, भाई इसमें कितना अनुदात्त है और कितना उदात्त, इस वर्ण का परिमाण क्या है, एकमात्र एक मात्रा है, एक मात्रा है, तो इसमें दो गुण मिले हुए हैं, अनुदात्त गुण और उदात्त गुण। तो कोई ये भी तो प्रश्न पूछ सकता है, स्वाभाविक है कि भाई इसमें माने इसमें एक मात्रिक वर्ण में कितनी मात्रा अनुदात्त की है, कितनी उदात्त की है। और ऊपर से ये भी पूछ सकता है कोई कि भाई अनुदात्त किधर है, आरंभ में है इसके या बाद में है, एक मात्रा का जो काल है उसके आरंभ में अनुदात्त बोलना है या उदात्त बोलना है या अंत में उदात्त बोलना है, अनुदात्त बोलना है। इसके लिए भी महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया कि तस्यादित मर्द तस्यादित उदात्त मर्द हस्त, मैं आपको लिखा देता हूं, ये यहां पर नहीं है फिर भी आपको ये आवश्यक है। तस्यादित उदात्त मर्ध ह्रस्वम, ठीक है, ये दिख रहा होगा, ये तस्यादित मर्द तस्यादित उदात्त मर्ध ह्रस्वम, ये इस सूत्र के आगे का सूत्र है, ये 31वां है अष्टाध्यायी में और ये वाला सूत्र है 32वां, बस इतना ही अंतर, 32। ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र ये कहता है कि तस्य माने उस स्वरित का, स्वरित का माने जो जो एकमात्र स्वरित है, स्वरित वर्ण है उसका आदितः, आदितः माने आधिक आदि का भाग, माने एक मात्रा का जो काल है, हमने एक मात्रा का काल ये बना दिया है, ये एक मात्रा का काल का है, ठीक है, हमने जैसे बना दिया। तो इसमें कहते हैं उदात्तम अर्ध ह्रस्वम, माने ह्रस्व वर्ण है, माने ह्रस्व का क्या है, ह्रस्व की आधी मात्रा, माने अर्ध ह्रस्वम का माने ह्रस्व से अर्धम अर्ध ह्रस्वम, माने ह्रस्व माने एक मात्रा का आधा समय, माने आधी मात्रा किसकी होती है, उदात्त की होती है, ध्यान दें। अर्थात कोई स्वरित संज्ञक वर्ण है तो उसमें जो आदि तस्मन आदि तमन आदि का जो भाग है, तो आदि का जो भाग है उसका अर्धमात्रिक काल में उच्चित होने वाला जो स्वर होता है वो उदात्त होता है। तो इसमें एक माने एक मात्र का तो एक इसमें आधा आधा हो गया, माने ये हो गया आपका उदात्त, ध्यान दीजिएगा ये क्या हो गया, उदात्त आधा, और बाकी का बच गया अनुदात्त, ठीक है,
ये कोई पूछे तो आपको ऐसे बता देना है, माने इस आ में स्वरित माने उदात्त और अनुदात्त मिला हुआ है, परंतु मिला हुआ होने पर भी उसमें ये जान सकते हैं कि उदात्त कितना है अनुदात्त कितना है। तो कहते हैं कि कोई भी स्वरित वर्ण हो उसमें आदि की आरंभ का अर्धमात्रिक जो समय में जो वर्ण उच्चरित होगा स्वरित वो उदात्त होगा और बाकी का अनुदात्त होगा। तो ये एकमात्रिक है तो इसमें क्या हुआ एक बटे दो अनुदात्त है और एक बटे दो अनुदात्त, ठीक है इसको, और आरंभ में उदात्त होता है अंत में अनुदात्त। इस प्रकार से इसमें इसमें कितनी मात्रा है, इसमें है दो मात्रा, ये क्या है दो मात्रा का कार्य। तो अब ये भी स्वर्त माना हमने तो वही फिर गणित लगेगा इसमें, इसमें मानिएगा ये दो मात्रिक काल हमने कर दिए। अब इसमें हमने चार खाने करने पड़ेंगे क्योंकि द्विमात्रिक काल में आधी मात्रा का इसमें क्या हो गया उदात्त हो गया ये और ये जो तीन भाग का बच गया माने ये हो गया आपका एक एक बटा इसको ऐसा एक बटा दो ये हो गया और ये कितना हो गया आपका एक एक सही एक बटा दो डेढ़, ठीक है। तो आधी आधी मात्रा का तो इसमें उदात्त है इसमें और बाकी का डेढ़ मात्रा का क्या हो गया अनुदात्त। ऐसे ही ये स्वरित है इसमें तीन मात्राएं तो इसमें भी ऐसे कर लीजिएगा, तीन मात्रा में से आधी मात्रा घटा देंगे, आधी मात्रा उदात्त की है शुरू शुरू की और बाकी ढाई मात्रा बच गई अनुदात्त की। ये इसमें हमें समझना होता, ठीक है। ये मोटी बात आराम से समझने आ गई होगी और विशेष है ये आपके लिए, ठीक। तो इस प्रकार से हमें समझ लेना है उदात्त के बारे में, ये स्वरित स्वरित के अनुदात्त और उदात्त के। और अब मैंने ये किसके गुण है, ये अच के गुण है, ये बता ही दिया था अच। अच माने स्वर के ही ये उदात्त अनुदात होते हैं, हल्के व्यंजन के नहीं होते। ये हो गया आपका, तो ये तीन सूत्र हो गए उच्चई उदात्त अनीचई ऋणदात्त समाहारः स्वरितः। अब इसी में यहां पर ये आचार्य वरदराज महाराज जी कह रहे हैं कि सा नव विधोपि प्रत्येकम अनुनासिकत्वानुनासिकत्वाभ्याम विधा स नव विधो, माने वो प्रत्येक जो था वो नौ प्रकार का बता दिया था वार्ता भेद से। प्रत्येक का अर्थ माने ये जो आ है ये नौ प्रकार का हो गया, ह्रस्व दीर्घ प्लुत और उदात्त अनुदात्त स्वर, ये नौ प्रकार। अब कहते हैं वो जो नौ प्रकार का ये जो आ है, हमने कल बताया था, अभी चार्ट भी दिखा दूंगा मैं आपको, वो प्रत्यमय अपि प्रत्येकम माने नौ प्रत्यय, नौ में से प्रत्येक अनुनासिकत्व और अननुनासिकत्व, माने अनुनासिकत्व और निरनुनासिकत्व, माने अनुनासिक और अननुनासिक भेद से, मतलब प्रत्येक का अनुनासिक है प्रत्येक का अनुनासिक है सबका। ये कैसा है आपका, चलिए यहां मैं टेबल दिखाता हूं। दो प्रकार का होने से कितने प्रकार का हो जाएगा, 18 प्रकार का हो जाएगा समझ लीजिए। देखिए ये एक ही अ है और ये 18 प्रकार का है, मैं आपको संख्या गिना देता हूं, पहले तो समझिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 प्रकार का है। अब देखिएगा ये है ह्रस्व की रूप, ये ह्रस्व आ है और ये है दीर्घ आ और ये है प्लुत आ, और इनका ये देखेंगे ये निर्नुनासिक आने, ये वाला जो कॉलम है इस कॉलम में है उदात्त और इस कॉलम में है अनुदात्त और इस कॉलम में है
फिर इनके निरनुनासिक इस वाली लाइन में निरनुनासिक, इसमें सामनासिक, सामनासिक पर एक चंद्रबिंदी लगा देते हैं नासिक का, तो आ आ आ आ आ आ ऐसे ये कहता है आपका, ये उदात्त है, ध्यान देंगे उदात्त पर वस्तु का कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता, उदात्त पर कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता, परंतु हम पढ़ाते समय गुरु परंपरा में पढ़ाते समय उदात्त को ऐसा दिखा देते हैं क्रॉस करके, ये ऐसा लगा दिया तो इसका मतलब होगा उदात्त, शास्त्र में आपको चिन्ह नहीं मिलेगा, ध्यान देंगे पढ़ाने के लिए छात्रों को आराम से समझाने के लिए कि हमने इसके नीचे क्रॉस कर दिया तो ये उदात्त, और जिसके नीचे ऐसे पड़ी रेखा होती है वो अनुदात होता है, और जिसके ऊपर खड़ी रेखा होती है वो स्वर्ग होता है, ये स्वर्ग। अभी जो ह्रस्व अ है ये छह प्रकार का हो गया, देखिए ये निरनुनासिक सानुनासिक उदात्त है, ये उदात्त है और ये निरनुनासिक और सानुनासिक, ऐसे अनुदात्त निरनुनासिक और सानुनासिक, ऐसे स्वरित निरनुनासिक और सानुनासिक, ठीक है ये हो गया। ऐसे दीर्घ आ मैंने आ आ आ आ माने ये अनुदात्त और ये भेद थे, और ये स्वरित हो गया आपका, और निरुनासिक और सामनासिक, ऐसे पुलुत हो गया ये छह, छह ये 18 हो गए, समझ लीजिए। ह्रस्व अ निरुनासिक उदात्त, ह्रस्व अ सामनासिक उदात्त, ह्रस्व अ निरनुनासिक अनुदात, ह्रस्व अ सानुनासिक अनुदात, मैं आपको शब्दों के द्वारा बता रहा हूं, ठीक निरनुना अ स्वरित अ निरनुनासिक स्वरित अ सानुनासिक, छह प्रकार का हो गया, इसी प्रकार से दीर्घ है, इसी प्रकार से 18 प्रकार का। तो यहां पर जो आचार्य वरदराज महाराज जी ने ये जो कहा कि प्रत्येकम अनुनासिकत्व अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा, दो दो प्रकार के बताते हैं, तो दो दो 9 × 2 = 18 हो गए अपने आप, ये मैंने आपको बता दिया। अब सभी 18 नहीं होते, ये अभी आगे आपको आ तो 18 प्रकार का हो गया, आ 18 प्रकार का हो गया, ई 18 प्रकार का हो गया, इसी प्रकार से ऊ 18 प्रकार का हो गया, री 18 प्रकार का हो गया, और जो लरी है लरी ये 12 प्रकार की होती है, अभी ये बताएंगे इसका, ये 12 प्रकार की मानी गई है, और ये ए ये भी 12 प्रकार का है, आई ये भी 12 प्रकार की है, ओ ये भी 12 प्रकार का है, और औ ये भी 12 प्रकार का है, क्योंकि इनका इन चारों का ह्रस्व नहीं होता है, दीर्घ और पुलुत ही होते हैं, तो इसलिए 12 12 हो जाते हैं, और री का कहते हैं दीर्घ नहीं होता है, कुछ ऐसा मानते, आइए अब कहते हैं कि आपने ये कहा अनुनासिक, पर अनुनासिक क्या होता है, इसके लिए अनुनासिक संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्र, अनुनासिक संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्र, अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र है, 9वां सूत्र है, मुख नासिका वचनोनुनासिकः, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 8वां सूत्र, अर्थ यहां पर करते हैं इसका, मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णोनासिक संज्ञः स्यात्, क्या कह रहे हैं, मुख सहित नासिकया, अलग करें मुख सहित नासिकया माने मुख के साथ नासिका के द्वारा, मुख का भी प्रयोग होता है और नासिका के, उच्चार्यमाणः माने जिस उच्चरित होने वाला वर्ण,
वर्ण होता है उसकी अनुनासिक संज्ञा क्या, तो वो अनुनासिक नाम वाला होता है उसका अनुनासिक। अब जैसे ये है आ, तो आ मुख्य आ आ माने इसका आ कंठ से आ नासिका से भी हो रहा है, इसका मुख के साथ नासिका के द्वारा, तो ये अनुनासिक संज्ञा को होता है। और ये वाला जो अ बोलेंगे हम तो ये तो मुख से हो रहा आ, आ नासिका का प्रयोग नहीं। तो इसी प्रकार से सभी स्वर को जान लेना है, बताएंगे कौन कौन से अनुनासिक हैं और कौन कौन से किन किन को अनुनासिक बनाएंगे। नहीं आप धीरे धीरे आ जाएंगे, मैं ही पहले बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाता मामला। तो ये हो गया तादा इत्थम, वह इत्थम माने इस प्रकार से आ ई उ ऋ एषाम वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेदा, वही बात माने तादा इत्थम है तब इस ये तब वह इस प्रकार से आ और ई और उ और ऋ एषा मन इन वर्णानाम वर्णों का प्रत्येकम प्रत्येक का अष्टादश भेदा, 18 18 भेद होते हैं। आके तो मैंने बताई दिए आपको, ठीक है फिर भी कर लेंगे आपको, 18 18 प्रकार के होते हैं ये, ठीक है। अब कहते हैं लृवर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घा भावा, जो लृवर्ण है ठीक है, लुरी है प्रत्याहार सूत्र में तो आपको मैंने तो क्या है वो 18 प्रकार की है, क्योंकि दीर्घ अभाव है तो उसका दीर्घ नहीं होता, दीर्घ नहीं होता, दीर्घ 6 कम हो गए तो 12 हो गए, इसलिए द्वादश भेदा। एचाम अपि द्वादश तेषाम ह्रस्वाभावात्, एच माने एच का अर्थ क्या है, एच प्रत्याहार है, अब आपको प्रत्याहार याद है तो आराम से, एच में क्या आता है ए और ओ और आई और औ, ठीक है। इन चार वर्णों का कितने होते हैं, 12 12 होते हैं, ये 12 प्रकार का, ये भी 12 प्रकार का, ये समझ लीजिएगा ये भी 12 प्रकार का और ये भी 12 प्रकार का, क्योंकि इनका ह्रस्व नहीं होता है, इनका ह्रस्व नहीं होता, प्लुत होता है, क्या होता है प्लुत, ये दीर्घ और दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ, हिंदी में गलत बोलते हैं बड़ा और इसको बोलते हैं छोटी ए बड़ा बड़ी आई छोटा ओ बड़ा ओ, ये सब बड़े ही छोटे नहीं है इसमें, इनका ह्रस्व नहीं होता, ये दीर्घ और प्लुत होते हैं, ये सभी दीर्घ हैं और प्लुत इनका लिखना होगा तो ऐसे लिखा जाएगा, ए को प्लुत करना है, ये ओ को प्लुत करना है तो उसके आगे 3 लिखना होगा, ऐसे लिखा है। तो ये हो गया, तो ये तो आपको ये समझ में आ गया कि जो ये प्रत्याहार है, ये मैं आपको टेबल और दिखाता हूं, ये टेबल है मेरे पास में, ये स्वर है, स्वर की बात चल रही है, देखिएगा ये इनके क्या है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों तीनों होते हैं, इसलिए ये 18 18 प्रकार के हैं। और री का दीर्घ नहीं है इसलिए 12 प्रकार का, और इसका अरस्त नहीं है इन चारों का इसलिए ये भी 12 12 प्रकार के हैं, ठीक है, ये प्लुत हैं और ये दीर्घ हैं। तो ये यहां पर मैंने टेबल, ये बाकी हेलो चलिए, तो आज की कक्षा में इतना पढ़ते हैं, दो आज हमने सूत्र पढ़ लिए हैं, आपको पढ़ा दिए 1 2 3 और 4 सूत्र पढ़ लिए, ठीक है, चलिएगा आज की कक्षा में मिलते हैं, समय हो गया है, सर्वेभ्यो नमः।